नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। चंद्रयान 3 मिशन ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। आज सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए। अगले आखिरी पड़ाव में 23 तारीख की शाम को चांद पर लैंडिंग होगी, जो हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन आज अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा। चंद्रयान अब चांद के और करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है और अब लैंडर विक्रम के से अलग हुआ है। तो इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और लैंडिंग के बाद लैंडर से 6 पहिए वाला रोवर बाहर निकलेगा, जो एक चंद दिवस यानी धरती के 12 दिन वहां पर प्रयोग करेगा। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात यह रहेगी कि दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन और रूस का लूना 25 में किसका मिशन चांद पर पहले लैंड करेगा। बहरहाल आज सफलता का दिन रहा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि चंद्रयान 3 मिशन ने आज एक अहम पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया है। महत्वपूर्ण ये भी कि हमने अपने जो चंद्रयान मिशन 2 था उससे बहुत अनुभव लिया, उससे सीख हासिल की। मुझे लगता है हाँ, स्वाभाविक है, हर भारतवासी को इस पर गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बड़ी विशेषता ये भी है कि जबकि हमारे देश में हर व्यक्ति बड़ी उत्सुकता के साथ इस पर निगाहें रखे हुए है, लेकिन चंद्रयान 3 की ये विशेषता है कि सारी दुनिया इसको बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही है। और वो इसलिए भी कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो यहाँ से जानकारी उपलब्ध होने वाली है, जो यहाँ से इनपुट्स उपलब्ध होने वाले, जो यहाँ से निष्कर्ष अथवा इन्फ्रेंसेज उपलब्ध होने वाले हैं, वो ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे बल्कि सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे होंगे जो शायद पहले कभी किसी के जानकारी में नहीं आ पाए होंगे। और इसी प्रकार का इतिहास रहा भी है चंद्रयान का कि भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई, जबकि तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने की सोच रहे थे और 1969 में एक अमेरिकन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर लैंड भी करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन हमारा चंद्रयान एक था जो वहाँ पर पानी के अस्तित्व की तस्वीरें लेकर के आया। और जी, आपको आप इस बात में को स्वीकार करेंगे कि हमारे यहाँ जो बार बार एक हमारी काल्पनिक दुनिया की बातें हुआ करती थी कि चांद पर लोग रहते होंगे, इस पर कहानियाँ लिखी जाती थी, साहित्य लिखा, कविता लिखी जाती थी, उस काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से देने की यदि प्रेरणा किसी ने पैदा की तो चंद्रयान ने की। कि जब वो पानी के चित्र आए दुनिया के सामने, जिसको शायद पहले अमरीका ने भी नहीं देखा था, तो उन्हें लगा कह रहे बर्फ़ के चित्र के साहब, यहाँ पर तो प्रत्यक्ष अथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर भी शोध किया जा सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। और ये वाला जो हमारा चंद्रयान 3 है, चूँकि ये साउथ पोल में जा रहा है, इसकी ये भी विशेषता है कि अभी तक इस कठिन क्षेत्र में किसी ने जाने की का साहस नहीं किया और यहाँ पर संभावना है कि कुछ और जानकारी प्राप्त होगी, चाहे पानी के क्रेटर्स को लेकर के, चाहे वहाँ के वायुमंडल को लेकर के। बिल्कुल, और इससे जो इस मिशन से आम नागरिक की उत्सुकता भी बढ़ेगी। पढ़ा ये कि कैसे चांद पर उतरते जो प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें विक्रम लैंडर भेजेगा, हालांकि इस पल का 23 तारीख तक इंतजार रहेगा, ये भी साफ दिख रहा है कि हमारे वैज्ञानिक कदम दर कदम कामयाबी हासिल कर रहे हैं इस क्षेत्र में। नीचे मैं आपकी बात में एक आपकी अनुमति से बात जोड़ दूं कि वैज्ञानिकों को तो जाता ही 100%, लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी का। और वो मैं एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हमें सिखाया कि प्रमाण के बिना, तर्क के बिना कोई बात नहीं करनी। हम में क्षमता थी, प्रतिभा थी, मेहनत करने का मादा भी था, आँखों में सपने भी थे, लेकिन उस तरह का अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने दी है। 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र को खोल दिया गया, पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ आया, मीडिया वहाँ आया, जब लॉन्चिंग हुई है उस दिन तो 100 से अधिक मीडिया के मित्र वहाँ पे मौजूद थे, जबकि पहले तो मीडिया श्रीहरिकोटा के फाटक से अंदर झांक भी नहीं था सकता। तो उस तरह खुली है फिज़ा में प्रतिभा को, और फंडिंग भी हुई, पैसे का रिसोर्स भी बना, और उसका ये नतीजा कि 3-4 वर्ष में हमारी प्रतिभा सामने आनी शुरू हुई और दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखने लगा। जी, आखिर में ये कि जो हमारा स्पेस मिशन है, सरकार का लक्ष्य क्या है उसमें वहां पर?
गगनयान की बात कर रही हैं आप? जी, जी. हाँ, मुझे लग रहा है वो उसमें विलंब आया क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे, दुर्भाग्यवश कोविड के आने से 2-3 वर्ष का विलंब आ गया. जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें उस समय हमारे कुछ एक एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे मॉस्को में, ग्रेगरी सेंटर में, उन्हें वापस बुलाना पड़ा. और अब स्थिति यह है कि जो असल मिशन होगा उससे पहले 2 मिशन पहले भेजे जाएंगे, 2 अनमैंड, एक तो शायद इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल के आरंभ तक. क्योंकि आप इस बात को स्वीकार करेंगी कि जितना ज़रूरी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजना है उतना ही ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सेफ एंड साउंड पूरी सुरक्षा के साथ वापस धरती पर उतारा जा सके, पानी में उतारा जा सके, जहाँ भी उसकी लैंडिंग हो. यानी अगर ऐसा ना हो पाए तो एक बहुत बड़ी क्षति पहुँचने की संभावना रहती है, मानसिक तौर पर भी और वैसे भी. और इसलिए जो पहला अनमैन्ड मिशन जाएगा वो पूरा वो एक्सरसाइज करके आएगा, कुछ ही घंटे के लिए जाएगा, वो अंतरिक्ष जाके वापस आ जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया में से गुजरेगा. फिर उसके बाद एक दूसरा भेजा जाएगा कुछ महीने के बाद, हो सकता है अगले साल के अंत तक. वो रोबोट होगा, उसमें मानव, जीवित मानव नहीं होगा, रोबोट होगा, एक महिला रोबोट जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है. वो भी जाएंगी उसी तरह से, वो उसी प्रक्रिया में से गुजरेंगी जिस तरह से कि इंसान बाद में गुजरेगा. उस तरह से जाएंगी ऊपर, फिर नीचे आएंगी, फिर किस तरह से पानी में उनका रॉकेट निकलेगा, फिर पानी से कैसे निकाला जाएगा, उसमें नेवी का भी सहयोग रहेगा, कोस्टल गार्ड्स का भी. तो वो जब हमें तसल्ली हो जाएगी 2 मिशन्स के बाद कि सब कुछ स्मूथली जाता है, ऊपर हमारा मानव गया, सारे अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स करके वापस आया, फिर वापस स्मूथली लैंड हुआ, हमने उसको वहाँ से निकाल के सुरक्षित घर लाया, जब हमें ये 2 मिशन से तसल्ली हो जाएगी तो फिर हमारा 3रा मिशन में वाकई एक मानव जाएगा. जितेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, इसके लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद आपका. आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं. हम अपने पर्यावरण बारिश की करते हैं. देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विभाग ने 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया. तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान है. 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. 17 और 18 अगस्त को उड़ीसा में तेज बारिश का पूर्वानुमान है. और 21 अगस्त को उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान पूर्वानुमान बताया गया. तो एक तरह से ये अलर्ट है इन 4 राज्यों के लिए. और हिमाचल प्रदेश की अब बात करें तो वहां पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है. हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो जमीन से जानकारियां दे रहे हैं. चिंताजनक हालात हैं. पिछले 3 दिनों में 71 लोगों की जान वहां पे जा चुकी है. हिमाचल प्रदेश के समरहिल इलाके की जो तस्वीरें आई थी वहां पर अब बचाव और राहत का काम जारी है. यहां से पिछले 2 दिनों में 13 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है. सोमवार को भारी बारिश के कारण 100 साल से ज्यादा पुराना शिव मंदिर भी यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया था. हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं, आइए उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं. फिलहाल हमारे साथ वैसे कुछ परिवार हैं जो जिनके अपने शिव मंदिर में जो उस दिन वाकया हुआ सोमवार को, उसके बाद अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है, उनकी खोज खबर लेने आए हैं. NDRF और बाकी टीमें यहाँ पर काम जरूर कर रही हैं. यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. आपके भी कोई अपने हैं? हाँ, मेरे 2 परिवार हैं यहाँ पे किन्नौर से, एक शंकर नेगी और दूसरा अविनाश नेगी. इसी में? हाँ, इसी में उस दिन पूजा करने आए थे. हाँ जी, हाँ जी. तो अभी 3-4 दिनों से हम लगातार ढूंढ रहे हैं. अभी तक 3-4 दिनों से लगातार आ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. और सुबह से शाम तक रहते हैं? सुबह से शाम तक रह रहे हैं, दिन भर ढूंढ रहे हैं, कोई सुराग नहीं मिल रहा अभी तक भी. कोई नहीं मिल रहा. आप लोग साथ में हैं? आप लोग साथ में हैं. आपके भी कोई यहाँ पे हैं? जी जी, रियल मेरे बड़े भाई है. बड़े भाई? मेरा सक्का बंजा है जी. तो 4th दिन हो गया मिले नहीं. और ऐसे ही जिस दिन वाकया हुआ उसके बाद से रोज दिन आ पा रहे हैं? रोज दिन जी. मैं तो गांव में था, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का रहने वाला हूँ जी. गाँव बुरुआ तो संगे है बिल्कुल रियल. कोई आपके भी यहाँ पर थे? हाँ बिल्कुल, हमारे भी छोटा ब्रदर है. ही वॉज जस्ट 42 ईयर, लोकल हैबिटेंट है यहीं के हैं. तो 4th दिन आज रेस्क्यू करते हो गया है और मिसिंग है, अभी मुझे तक नहीं मिले हैं. 13 डेड बॉडीज जो है, 13 डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है. उसमें एक मिसिंग, मतलब एक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाई उसमें.
12 ये कह रहे हैं कि 21 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया है कि उनके कोई अपने दबे हो सकते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल, अभी इसमें 9 तो आइडेंटिफाइड है जो अभी मतलब है मिसिंग है जो यहाँ पे जो है, उसके अलावा जो है नोबडी नोज कि कौन मंदिर में आ रहे जा रहे उनका ही कोई तुम्हारा। आप भी रोज दिन आ रहे होंगे सब दिन की? बिल्कुल बिल्कुल, चौथा दिन है आज रेस्क्यू करते, चौथा दिन हो गया। हमारा ब्रदर है अभी डे नाइट लगे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं अभी, जो अब प्रयास तो जारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जारी लगे हैं, NDRF वाले भी लगे हैं, लोकल हैबिटेंट वो भी सहयोग में लगे हैं। और केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को किस तरह से मदद कर रही है इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से। मेरे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। एक बहस जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है, लोग बहुत परेशान हैं, भारी बारिश की वजह से सैकड़ों घर बह गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, आपको लगता है कि ये कितना क्या नए सवाल खड़े करता है बिल्डिंग बायलॉज को लेके, और क्या जो लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के इस दौर में? मैं इतना ही कहूँगा, आज समय है ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य प्रदान करने के, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ और सुविधाएँ देने के, और इसके लिए केंद्र की सरकार ने हर तरह की संभव मदद राज्य की सरकार की है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। चाहे वो NDRF की टीमें हों लगातार वहाँ पे काम कर रही हैं, एयरफोर्स की टीमों की आवश्यकता पड़ी वो भी किए, केंद्र के परिवहन भूतल मंत्री वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी जाकर दौरा किया कि कैसे सड़कों का नुकसान हुआ, कितनी जल्दी उस पर काम शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी वहाँ पर गए और आगे भी केंद्र की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। जहाँ तक आपने सवाल उठाया बिल्डिंग बायलॉ से लेके बाकी सब कानून तो हैं, इनकी पालना होनी चाहिए, और केवल आज ध्यान भटकाने के लिए आप किसी और राज्य के लोगों के ऊपर कटाक्ष कर दें तो ये दिखाता है कि किसी को नीचा दिखा के आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज समय सब आपके साथ खड़े हों, इसलिए मैं कहूँगा समय आएगा जब हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे, तब आप डिटेल रिपोर्ट एक लाइए कि क्या कारण रहे, क्यों इतना नुकसान हो पाया, राहत कार्यों में क्यों देरी हो पाई, इनसे के ऊपर आप बाद में डिटेल रिपोर्ट लाइए। लेकिन आज तो पूरी सरकार का काम होना चाहिए मदद करने के लिए, ना कि अलग अलग मंत्री अलग अलग सुरों में बोलें और किसी और के ऊपर आरोप लगाएं। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश उन्होंने ये कहा है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो साइंटिफिकली डिज़ाइन नहीं थे, हमें नए बायलॉज बनाने होंगे, बिल्डिंग बायलॉज सख्त नियम बनाने होंगे, आपको लगता है ये एक चेतावनी है, ये आपदा और आगे और बदलाव ज़रूरी है? मुझे लगता है अभी इन सब पे कहना बहुत जल्दी है क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी वहाँ सत्ता में रही और आज तक अगर बिल्डिंग बायलॉज से लेकर बाकी नहीं बना पाई तो एक अपने आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और अगर लॉज पहले थे और उनकी पालना कितनी हुई, ये हर किसी के लिए कहना बहुत आसान हो गया कि नए कानून बना लो। अरे भाई कानून तो बना लो, जो पहले बने उनकी पालना कितनी होती है उस पर जोर लगाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और देश की बात हम आगे देखेंगे, फर्जी सिम कार्ड और फर्जी मोबाइल फोन कनेक्शंस पर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, उस पर एक खास जानकारी आपको देंगे। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े दो रिफॉर्म्स की घोषणा की है। क्यों की है? क्योंकि 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद करने पड़े। सिम डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन अब जरूरी हो गया है। संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। 67,000 मोबाइल डीलर्स को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। सभी सिम डीलर्स का वेरिफिकेशन अब अनिवार्य होगा। अब तक 300 FIR दर्ज की गई है। चोरी किए गए 17,000 मोबाइल भी ब्लॉक किए गए हैं। तो हम समझ सकते हैं ये काफी अहम कदम अपने आप में, और ऐसे कदमों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? हमारे साथ विराग गुप्ता साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, अनिल कुमार जो टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले आइए सुन लेते हैं मंत्री जी का क्या कहना है। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं, जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस में वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं
उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं, बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा, जो संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिसकनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए। तो सर बात करने के लिए विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, अनिल कुमार हमारे साथ हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट। तो अनिल जी, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी क्या इम्पैक्ट इसका होगा, जो ये आज ये रिफॉर्म्स और क्यों कदम ही उठाने जरूरी पड़े होंगे। जो अनसोलिसिटेड कॉल है, फेक कॉल्स हैं, जो मार्केटिंग कॉल्स आती रहती हैं, उसके ऊपर तो कोई अंकुश है ही नहीं। कितने एफर्ट्स कर चुके हैं पिछले 10-12 साल में, टेलीकॉम रेगुलेटर बहुत सारी रेगुलेशंस निकाल चुका है, बहुत सारे पैनल प्रोविजंस रखी हुई हैं। तो सिर्फ क्या होता है कि जो भी इस तरह के मैसेजेस डिटेक्ट होते हैं कि ये टेलीमार्केटर भेज रहा है, अननेसेसरली भेज रहा है, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया कंज्यूमर्स ने, उसके बावजूद भी उनको भेजे जा रहे हैं, तो सिर्फ क्या करते हैं, उनके टेलीकॉम फैसिलिटी को डिसकनेक्ट करते हैं। क्या होता है, वो नया कनेक्शन ले लेते हैं, नया कनेक्शन लेने के बाद फिर से कुछ डिसकनेक्शन का होता है तो फिर नया कनेक्शन ले लेते हैं। ये जो प्रोविजन है कि लिमिट कर देंगे, अभी जो नया ऑर्डर निकाला है, पहले तो 9 की लिमिट थी पर कनेक्शन, अब उसको 4 कर दिया है। एक आधार कार्ड के ऊपर, एक आदमी का आइडेंटिटी के ऊपर सिर्फ 4 कार्ड ही सिम कार्ड्स निकाले जाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, पहले भी तो 9 थे, उसके बाद भी कॉल आती है। मुझे 1.5 साल से लगातार मैंने हैथवे का कनेक्शन डिसकनेक्ट कर दिया है, 1.5 साल से हर रोज बिगर नागा 3 कॉल्स या 4 कॉल्स पर डे आती हैं। और हाल के कुछ महीनों में तो इस तरह की जो फर्जी कॉल्स, स्पैम कॉल्स हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, वाकई में ये परेशानी का बहुत बड़ा सबब हम आप सबके लिए बन गया था। जो टेली मार्केटियर्स है उन पर भी फर्क पड़ेगा, उसका आंकलन सर? नहीं, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि करप्शन बढ़ जाएगा। जो आप देखते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन करके एजेंट्स बनाएंगे, पहले तो चाय पानी, जो चाय पान वाला अभी है वो भी अभी वो बेच रहा है सिम कार्ड, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। पुलिस वाले लोगों का खर्चा पानी उनका और चलेगा, और इसमें ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। जिस दिन टेलीकॉम ऑपरेटर चाहें कि ये स्पैम कॉल बंद होनी चाहिए, उस दिन टेलीकॉम की ये सारी की सारी स्पैम कॉल्स बंद हो जाएंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं चाहता है कि स्पैम कॉल्स बने, उनका बिजनेस बढ़ता रहे, ये उनकी इच्छा है। गवर्नमेंट जितना मर्जी कोशिश करती रहे, उसमें अच्छी बात है, करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। फोन कॉल्स इस तरह से गलत आती हैं, SMS गलत आते हैं, मेरे को ईमेल्स तो बहुत ही ज्यादा गलत आते हैं कि आप पता नहीं किस किस तरह के आते हैं। तो लेकिन चलिए इनसे विराग जी से पूछते, विराग आपको नहीं लगता कि अगर वेरिफिकेशन होगा वो अपने आप में एक थोड़ा सा कारगर कदम, जिस हालांकि अनिल कुमार सर का विचार कुछ अलग है, लेकिन अगर 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद होंगे और 67,000 मोबाइल डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तो कुछ हद तक तो या काफी हद तक असर तो पड़ेगा जमीन पर? नीति जी देखिए, जब भी कोई शुरुआत होती है तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, निश्चित तौर पर यह सही दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं अनिल जी से पूर्णतः सहमत हूं, और भारत साइबर अपराध की देश विश्व की सबसे बड़ी संगठित मंडी है, और यह बात मैं कुछ आंकड़ों से बताना चाह रहा हूं। 2 साल पहले IT इंटरमीडिएट रूल्स आए थे, जिसके तहत जो टेक कंपनियां हैं उनको अपनी मंथली रिपोर्ट पेश करनी थी, और उन मंथली रिपोर्ट्स का हमने 2 साल का एक समरी बनाई है, और मैं आपको उसके आंकड़े देता हूं।
फेसबुक ने 54.7 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट उसने हटाई है, ऑफिशियली हटाई है खुद। व्हाट्सएप ने 6.2 करोड़ अकाउंट्स उन्होंने ब्लॉक किए हैं या सस्पेंड किए हैं। इंस्टाग्राम ने 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ इंस्टाग्राम में अकाउंट्स या उनके जो कंटेंट्स हैं, और ट्विटर ने 59 लाख। ये सिर्फ उनकी रिपोर्ट है। दिक्कत ये है कि भारत में जो बड़े पैमाने पर साइबर अपराध हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे पहलू हैं, आतंकवाद उसका एक पहलू है, राष्ट्रीय सुरक्षा उसका एक पहलू है, फाइनेंशियल फ्रॉड उसका एक पहलू है, लोन एप्स उसका एक पहलू है, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध उसका पहलू है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में दो लोगों की संगठित भूमिका है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टीएसपी जिनको बोलते हैं, और दूसरा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एआई के जमाने में इनको सब कुछ पता है कि कहां क्या कैसे हो रहा है। मैं तो इस बात देखिए जो मंत्री साहब ने बोला है, दोनों बातों का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो अभी तक डीलर था वो डीलर टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती थी, तो टेलीकॉम कंपनी ने जब डीलर को अपॉइंट किया होगा तो डीलर का पूरा डिटेल तो उसके पास रहा ही होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जमाने में हर चीज में पुलिस वेरिफिकेशन को लाना, इससे अराजकता बढ़ती है और करप्शन बढ़ता है। इसलिए जिम्मेदारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की होनी चाहिए जिसने कि गलत या टेंटेड डीलर को अपॉइंट किया है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी कंपनी जब मोबाइल कनेक्शन ले रही है, 5 दे रहे हैं 9 दे रहे हैं, अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उस कंपनी के जो भी लोग हैं उन कंपनी की जवाबदेही होनी चाहिए। तो जब सरकार बोलती है कि इतने लाख हमने सिम कार्ड्स ब्लॉक किए हैं, तो सवाल इस बात का है कि उनके माध्यम से जितने अपराध हुए हैं उसको टैकल करने की, उसको ट्रैक करने की हमारे पास तो कैपेसिटी ही नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा संवैधानिक पेंच है क्योंकि संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर है, टेलीकॉम के मसले हैं, ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि जो ये मामले हैं, ये जो अपराध से जुड़े मामले हैं, पुलिस से जुड़े मामले हैं, ये संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य के अधीन आते हैं। और भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेगुलेटर की है। 10 साल पहले हमने ट्राई को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इसके बारे में कम एक लगाम लगाई जाए, और आज तक अनवांटेड कॉल से कोई भी लगाम नहीं लगी है। और जब देश में शिकायत निवारण का तंत्र है, हर चीज के लिए एक कॉल है, हर चीज के लिए एक टोल फ्री नंबर है, लेकिन साइबर क्राइम से निपटने के लिए कुछ भी एक जरूरी पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, और ये इसकी वजह से ये पूरे जो मामले में ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एक संक्षेप में आप दोनों से जो आपने बात कही, ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वो ही बता दीजिए विराग जी, क्या ठोस कदम, सुझाव क्या है आपका? देखिए, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना सिद्धांत है, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो करे सो भरे। तो इस पूरे जो ये जो हमको लग रहा है कि कोई, जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, और हिंसा के लिए आप वहां पे दरोगा को सस्पेंड करिए, दरोगा का काम नहीं है क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर उच्च बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, इसके लिए एक वो उसमें शामिल हैं। इसलिए इस पूरे खेल में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं, उनका फायदा होता है, उनका बिजनेस बढ़ता है, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी। तो आप दोनों का एक्चुअली यही, अनिल कुमार सर का भी यही कहना था, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो, लेकिन सर जो ये इतनी सारी फर्जी कॉल सबको आने लगी थी, आम नागरिक को आती है, उस पर आपका लगता है कि कुछ समय तक तो लगाम लगेगी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है? मुझे नहीं लगता इन कदमों से कुछ भी होने वाला है, वो ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा जब तक कि जिम्मेवारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इनकी फिक्स नहीं की जाती। जिस दिन ये चाहेंगे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन ये चाहेंगे 2 घंटे में ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े और एक ही राय थी कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है इन पर थोड़ा सख्ती बरतने की सरकार को जरूरत है। अब वही किस तरह से सरकार बढ़े, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, बने रहिए देश के बाद। राजस्थान में बीजेपी ने साल के अंत में होने वाले चुनावों के लिए चुनाव प्रबंधन समिति समेत 2 समितियों का ऐलान किया है। खास बात यह है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी गायब है। अब इस पर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। राजस्थान में भाजपा ने चुनाव के पहले 2 अहम समितियों का गठन किया है, संकल्प पत्र समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति।
अर्जुन राम मेघवाल संकल्प पत्र समिति के संयोजक रहेंगे और उनके साथ बड़ा चेहरा है किरोड़ी लाल मीना का। दूसरी ओर चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया के साथ बड़ा चेहरा है राज्यवर्धन राठौड़ का। चुनाव प्रबंधन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संगठन है, अनुभवी लोग हैं, इसलिए चुनाव प्रबंधन समिति में नारायण पंचारिया जी से लेकर के जो हमारे लखावत जी हैं, भजन लाल जी हैं, राजवेद्र राठौर, उनको रखा गया। लेकिन इन अहम समितियों में वसुंधरा राजे समेत गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और वर्तमान में अध्यक्ष सीपी जोशी को भी जगह नहीं मिली है। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। बाकी सारी बैठकों में उनके आते हैं, वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हर बार हर बैठक में आती हैं, लेकिन अभी कोई किसी कारणवश नहीं आ पाई और उनका संदेश था कि इस कारण मैं नहीं आ रही, तो वो हमारी सीनियर लीडर है। लेकिन बड़े नेताओं को समिति में नहीं शामिल करने से राजनीतिक हलचल मच गई है। राजस्थान में वसुंधरा राजे लोकप्रिय नेता है जिसकी हर वर्ग और समुदाय में पहचान है। ऐसे में भाजपा उन्हें चुनावी प्रचार में दरकिनार नहीं कर सकती, लेकिन साफ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिना घोषित किए भाजपा राजस्थान में चुनाव लड़ने के मूड में है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हुए हैं। लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस साल राहुल गांधी दो बार जम्मू कश्मीर जा चुके हैं, लेकिन लेह की उनकी ये पहली यात्रा है। भारत ने 15 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस बुलेटप्रूफ जैकेट की खासियत यह है कि ये स्नाइपर और AK-47 के शॉट्स भी झेल सकती है। IIT दिल्ली और DRDO के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। स्नाइपर गोली के लिए बनी जैकेट महज 9.5 किलो की है और AK-47 के लिए बनी जैकेट करीब 8 किलो की बनाई गई है। गोली फायर हो सकती है। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।